तो फाइनली तरक्ते भड़कते अंदाज में जवान के मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर को दोपहर और शाम के बीच रिलीज किया। और जैसा कि करण जौहर ने बोला था कि ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी, बात तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बोली थी। इस वाले वीडियो में 5 पॉइंट के साथ जवान में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है, उन सभी बातों पर बतकही करेंगे। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। जवान के ट्रेलर को एक शब्द में बोलूं तो खूब टाइम वसूल ट्रेलर, और ट्रेलर का हर एक फ्रेम, हर एक शॉट कड़क एकदम। फिल्म के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है वो अंगार लेवल का नजर आता है। हर एक शॉट को काफी तरीके से फिल्माया गया है। ऐसा हो जाएगा मैंने सोचा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट ट्रेलर का बीजीएम, भाई साहब क्या बीजीएम इस्तेमाल किया गया है। हर एक बीजीएम कड़क, और लास्ट वाला बीजीएम तो गूज़बम ला देता है। जब थिएटर में बीजीएम के साथ शॉट खुलेगा तो थिएटर स्टेडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। जवान के सॉन्ग कैसे भी हो लेकिन बीजीएम एकदम से बोलूं तो कड़क। ट्रेलर का थर्ड पॉइंट एटली कुमार का डायरेक्शन। एटली कुमार मास और कमर्शियल सिनेमा के लिए जाने जाते हैं, हमसे किसी ने कहा ही नहीं, जिनकी फिल्में मास ऑडियंस को टारगेट करती हैं। लेकिन यहाँ पर फिल्म जवान के लिए एटली कुमार ने एक लेवल अप किया है। यानी कि फिल्म मास ऑडियंस के लिए बनाई गई तो नजर आती है, बल्कि एक एक्स्ट्रा एज थ्रिल के रूप में दिखाने वाली है, और इमोशन की तो तड़का छौंक के मारा है, जिसको ट्रेलर में शानदार तरीके से दिखाया गया है। ट्रेलर का फोर्थ बात तो सही है। पॉइंट है फिल्म की स्टार कास्ट मूवी की जान है। एक से बढ़कर एक टैलेंटेड एक्टर, जो सलमान खान के चक्कर में आए थे लेकिन अंदर जाके देखा तो खान साहब थे ही ना, फिल्म में नजर आ रहे हैं। सबसे कड़क शॉट है एसआरके और विजय सेतुपति। इन सभी के साथ सुनील ग्रोवर, नयन थारा, प्रिया मणि, शनाया मल्होत्रा और योगी बाबू फिल्म को अपने एक्टिंग के साथ एक लेवल अप लेकर जाने वाले हैं, जस्ट लाइक एटली कुमार। अब मूवी में इतने सारे स्टार कास्ट हैं तो फिल्म की लंबाई बढ़ने ही वाली है, और साथ में कैमियोस भी तो हैं, थलापति विजय, संजय दत्त, शायद यश की भी झलक देखने को मिले। क्या लगता है इतने सारे कैमियोस को लेकर, नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट करके बताना। लास्ट में दो पॉइंट को एक साथ करके बताते हैं, जिसमें से एसआरके का लुक्स पहला और फिल्म का विजुअल है दूसरा। पहले बात करते हैं एसआरके के लुक्स की। एसआरके के लुक्स को काफी खतरनाक दिखाया गया है। फिल्म में एसआरके के कुल 7 लुक्स होने वाले हैं, जिसमें से मेरा फेवरेट एसआरके का पट्टी वाला है। फिल्म में विजुअल तो एकदम कड़क, फिल्म का बजट भी एकदम मासी रखा गया है, जो है 300 करोड़ रुपए। और लास्ट में एडिटर रूबिन को मेरा सल्यूट, वो इस कारण उसने फिल्म के ट्रेलर को काफी नेक्स्ट लेवल अप करके एडिट किया है। तो आज के खातिर बस इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आती हो तो हम आपसे दोबारा मिलेंगे। शुक्रिया।